असलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम हमाद है और यार ओप्पो F15 रेनो 3 और रेनो 3 प्रो को जो है वो ऑफिशियली कलर ओएस 11 की अपडेट जो है वो एंड्रॉयड 11 के साथ देखने को मिल चुकी है। मेरे पास रेनो 3 है जिसके अंदर ऑफिशियली अपडेट आ चुकी है कलर ओएस 11 और एंड्रॉयड 11 की। तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ये अपडेट आएगी या नहीं, अगर आप एक ओप्पो यूज़र हैं तो आपने क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उस वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पर आपको सभी ओप्पो के मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर कलर ओएस 11 और एंड्रॉयड 11 जो है वो ऑफिशियल आने वाली है। अगर उसके अंदर आपका मॉडल जो है वो मेंशन ना हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपके मोबाइल को जो है वो ऑफिशियली अपडेट देखने को नहीं मिलने वाले। लेकिन तकरीबन जिनके ऊपर एंड्रॉयड 10 चल रही है वो जो है वो शिफ्ट होने वाले हैं कलर ओएस 11 और एंड्रॉयड 11 के ऊपर। खैर ये जो मंथ था इसके अंदर रेनो 3 F15 और रेनो 3 प्रो को देखने को मिलनी थी अपडेट, जो कि मिल चुकी है। अगर आपको नहीं मिली तो आज की इस वीडियो में शुरू में मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपने जो है वो ऑफिशियल अपडेट लेनी है कलर ओएस 11 के एंड्रॉयड 11 के साथ। उसके अलावा हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए कलर ओएस 11 एंड्रॉयड 11 के ऊपर, या जो है वो अभी फिलहाल एंड्रॉयड 10 के ऊपर रहना चाहिए, और इसके अंदर क्या चेंजेस आए, क्या इसके अंदर न्यू फीचर्स आए हैं, और इसके जो आइकन्स वगैरह हैं वो चेंज हुए हैं या नहीं, और कितने ज़्यादा इसके अंदर ग्लिचेस एरर आ रहे हैं, बैटरी लाइफ कैसी है। क्योंकि इससे पहले जब एंड्रॉयड 10 आई थी तो मेरे पास रेनो 2 एफ था जिसकी मैंने वीडियो बनाई, लेकिन जब लोगों ने शिफ्ट कर लिया एंड्रॉयड 10 के ऊपर एंड्रॉयड 9 से तो बहुत ज़्यादा लोगों को इशू आया, फिर वो कह रहे थे कि हम किस तरह से डाउनग्रेड करें। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है तो आपके आपको जो है वो फीचर्स का आइडिया हो जाए और आपको किस तरह से ये अपडेट लेनी है वो भी पता चल जाए और इसके अंदर क्या एरर ग्लिचेस हैं वो भी आपको पता चल जाए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर कर देना है दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार अभी मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो अब आपने सबसे पहले मैं आपको सेटिंग के अंदर चला जाता हूँ और अबाउट फ़ोन में आ जाता हूँ, और इधर आप देख सकते हैं डिवाइस नेम मेरे पास आ रहा है ओप्पो रेनो 3 वर्जन कलर ओएस जो है वो वर्जन 11 और एंड्रॉयड वर्जन 11। ठीक है, मैं इधर से आपको चेक भी करा देता हूँ, ये जो है वो मेरे पास ऑफिशियली एंड्रॉयड 11 के ऊपर चल रहा है फ़ोन, ठीक हो गया। और F15 और रेनो 3 और रेनो 3 प्रो में कोई SH बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने तीनों डिवाइसेस का नाम भी लिया और इनकी जो अपडेट है वो एक साथ ही आई है। तो अब आपने, अगर आपके पास अपडेट नहीं आई, आप एंड्रॉयड 11 के ऊपर चला रहे हैं अपने फ़ोन को, तो आपने जो है वो किस तरह से 11 की जो है वो अपडेट लेनी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ जो ओप्पो आईडी होती है वो आपने साइन इन कर लेनी है लाजमी। जब ये आप साइन इन कर लेंगे, इधर एक ओप्पो आईडी बना लेंगे, जब इस तरह से आपकी आईडी बन जाएगी तो फिर आपने अगला स्टेप क्या करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है, ठीक हो गया। इधर आने के बाद ये एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर आपके पास लिखा होता है ट्रायल वर्जन, ठीक हो गया, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन इससे आगे जो भी मेथड है वो अभी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने कर ली थी जब मेरे पास अपडेट आई थी, वो आपको अभी मैं वीडियो में दिखा देता हूँ, ठीक हो गया। ट्रायल वर्जन में जाने के बाद आपने ये चीज़ करनी है, ट्रायल वर्जन में आप क्लिक करेंगे और ये मैं वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा रहा हूँ, ट्राई ऑफिशियल वर्जन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से पेज आपके पास आएगा, आपने इधर से एग्री करना है और एग्री करने के बाद अगर आपके पास अपडेट नहीं आई, अगर तो सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन में आ गई है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गई एप्लीकेशन सबमिटेड और फिर आपने इधर से ये जो चेक फॉर अपडेट्स लिखा हुआ है इसके ऊपर जो है वो चेक कर लेना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो उसके बाद यह देख सकते हैं आपके पास जो ऑफिशियल एंड्रॉयड 11 की जो अपडेट है वो आपके सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन में आ जाएगी और आप इधर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। 3 GB की ये तकरीबन जो है वो अपडेट है, तो काफ़ी बड़ी अपडेट है, आपने आराम से इसको जो है वो वाईफाई के ऊपर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। फिर बात कर लीजिए चेंजेस की कि क्या इसके अंदर चेंजेस हुई हैं, क्या इसके अंदर न्यू फीचर्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कलर ओएस 11 एंड्रॉयड 11 के ऊपर आपको कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं, ये फीचर्स की तो पूरी लिस्ट है, लेकिन किस तरह से ये न्यू फीचर्स हैं आपको उनको यूजेज के अंदर लेकर आना है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो इन्हेंस करना है कलर ओएस 11 के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लीजिए अगर इसकी फिजिकल लुक की, तो वो थोड़ी बहुत भी चेंज नहीं की गई, जो आइकन थे वो एंड्रॉयड 10 वाले ही हैं, आप देख सकते हैं सेटिंग, फोटोज़, कैलकुलेटर के जितने भी आइकन्स हैं वो सेम है। उसके अलावा कुछ जिनकी बाय डिफॉल्ट ऐप्स हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो उनका लुक चेंज किया गया, जैसे मैसेज हो गए, उसके अलावा कैलकुलेटर हो गया और इनकी जो म्यूजिक ऐप है वो हो गई, थोड़ा बहुत इसके अंदर आप जो है वो चेंजेस देख सकते हैं अगर आप एंड्रॉयड 10 के ऊपर हैं। तो एंड्रॉयड 11 के ऊपर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से चेंज हुई हैं। उसके अलावा ये मैं कहूँगा कि अच्छा ही था जो इनका पहले आइकन्स शेप्स थे, और उसके अलावा जो भी इनकी बाय डिफॉल्ट ऐप्स थी उनके जो लुक वगैरह थे वो ठीक ही थे, तो ये अच्छा हुआ कि इन्होंने चेंज नहीं किया। जो चेंज आया वो आया आपका नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर, अगर मैं स्वाइप डाउन करूँ तो आप इधर देख सकते हैं आपके पास पहले तो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर दिया गया है, थोड़ा सा ब्लर
करके, और सेंटर के अंदर आपको जो है वो अभी काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर टाइम दिखा रहा है, और ये जितने भी आपके कंट्रोल्स हैं वाईफाई वगैरह के और क्विक कंट्रोल्स हैं मोबाइल डेटा वगैरह के, उनको अभी ये इस जगह पर कर दिया गया है। पहले ये जो है वो ऊपर की साइड होते थे, तो अब ये वन हैंडेड यूजेज के लिए काफ़ी अच्छा ये इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पर लेकर आ गई, और अब मैं जो है वो इन्हें ईजिली वन हैंड से यूज़ कर सकता हूँ। तो ये इधर से चेंज आया। बाकी अगर मैं लॉक स्क्रीन दिखाऊँ तो इधर भी कोई ऐसे बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा तो क्या बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, तो सिर्फ आपको जो है वो इधर नोटिफिकेशन सेंटर में डिफरेंस देखने को मिला है। अब बात कर लीजिए फर्स्ट फीचर की, जो कि मेन फीचर है इस जो है वो वीडियो का, और ये जो ऑप्शन आया है ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और होप सो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। उसमें ये है कि आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाएंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारे पास चेंज आया है वो है ये पर्सनलाइजेशन, जो कि पहले ये वाला टैब या ये वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं था, अब ये इधर ऐड कर दिया गया है। अब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल के, मैं इसके ऊपर चल जाता हूँ, और इधर आप देख सकते हैं आपके पास बहुत ज़्यादा इधर ऑप्शन है, और बहुत ज़्यादा इधर आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल रही है। आप समझ लें कि इधर से आप जो है वो टोटल फ़ोन को जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं वैसा। सबसे पहले हमारे पास है थीम, तो इधर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको जो है वो थीम स्टोर के अंदर ले जाएगा। आपने जो भी थीम जो है वो इधर से सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये पहले थी लेकिन ये अलग अलग करके दी हुई थी, तो ये सब चीज़ों को मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पर आप जो है वो वॉलपेपर्स अपने सेट कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं इनके स्टोर से, और बाकी जो अब मेन चीज़ें आ गई हैं वो यहाँ पर आ गई हैं जिनके अंदर है आइकन स्टाइल। तो आइकन स्टाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इधर जो है वो आइकन स्टाइल्स को ऐड कर दिया गया है, जिसके अंदर ये पेबल है और मटीरियल है और डिफ़ॉल्ट वाला है। तो कस्टम के अंदर ये मैंने कुछ इस तरह से करके रखा हुआ है इन्हें, और इसके अंदर जो है वो आपके जो है वो इनकी शेप वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड है, राउंडेड कॉर्नर वगैरह हैं, आइकन है, ऐप नेम को भी आप बड़ा जो है वो कर सकते हैं, और इसके जो साइज़ है वो मीडियम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी एक चेंजिंग आई है जिससे आप जो है वो जितने भी आपके आइकन्स वगैरह उनकी जो सेटिंग है उनको चेंज कर सकते हैं। और आप ये देख रहे होंगे ये ग्लिच आया है ये कि ये सारे जो है वो नेम वगैरह इधर से रिमूव हो गए हैं। तो ये अभी ऐसा है कि शुरू में ऑफिशियल आई है लेकिन अभी भी ये टेस्टिंग मोड के अंदर है, तो इसलिए ये थोड़े बहुत ग्लिचेज आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ऐप लेआउट है जिसके अंदर जो है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको कितनी ऐप जो है वो एक रो के अंदर चाहिए और कितने कॉलम चाहिए, वो भी आप इधर से जो है वो प्लस माइनस करके एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है फिंगरप्रिंट स्टाइल, जो कि इसके अंदर कोई न्यू एनिमेशन तो नहीं ऐड किया गया लेकिन ये पहले जो है वो अलग से होता था और अब इसके अंदर मर्ज कर दिया गया है, जहाँ से आप अपने जो भी फिंगरप्रिंट आपने एनिमेशन रखना है वो सेट कर सकते हैं। जो थर्ड चीज़ आ जाती है वो हमारे पास कलर्स आ जाते हैं, तो आपने किस तरह से नोटिफिकेशन सेंटर के कलर जो है वो आपने चेंज करने, तो आप इधर से कर सकते हैं। जैसे अभी जो है ये जो है वो आप देख सकते हैं ग्रीन है, ठीक हो गया। तो अगर मैं इधर से इसको ये वाला कर लेता हूँ, अप्लाई कर दूंगा, तो अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारा नोटिफिकेशन सेंटर है, अब इसके जो कलर्स वगैरह हैं वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये जितने भी जो है वो इसकी कलर स्कीम है वो चेंज करके रख देगा, और ये आप देख सकते हैं ये सारे इधर से ब्लू आइकन्स कर दिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगते हैं, लेकिन मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही रखूँगा। और बाकी भी बहुत ज़्यादा इधर कलर्स हैं जो कि आप जो है वो बाद में चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डिफ़ॉल्ट करके मैं अप्लाई कर देता हूँ। उसके अलावा बात कर लीजिए फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज़ की, तो इधर से आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, और मैंने भी अपना जो मोबाइल का फ़ॉन्ट है वो चेंज करके रखा हुआ है। इधर आपको सारे फ़ॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे, मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थीम स्टोर में चला जाएगा, जहाँ पर आपको जो है वो कोई भी आप थर्ड पार्टी जो फोन्स होते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। फोन साइज़ भी इधर से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले साइज़ को भी आप जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं हमारे नोटिफिकेशन ड्रॉट की, जिसके अंदर ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है कि इसके जो आइकन्स हैं नोटिफिकेशन सेंटर के वो भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, जिसके अंदर ये सर्कुलर है और रेक्टेंगुलर है, सारी इधर शेप्स आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वाली मुझे यही पसंद है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं कोई भी, ये वाली अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये सारे जितने भी आइकन्स हैं वो मेरे पास सर्कल के अंदर आ गए हैं। तो आप ये काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है वो ऑप्शन इधर ऐड किया है, जिससे आप जो है वो जितनी भी कस्टमाइजेशन है अपने फ़ोन की वो इसी एक चीज़ के अंदर जो है वो कर सकते हैं। बात कर लीजिए अब हमारे जो है वो अगले फीचर की, तो वो आ जाता है डार्क मोड, और डार्क मोड के अंदर जो है वो चेंजिंग की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि डार्क मोड सबका फेवरेट है भाई। तो आपको किस तरह से इसको एक्सेस करना है, आपने सेटिंग में जाना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाएंगे, और आप इधर देख सकते हैं ये पूरी जो भी सेटिंग थी इसकी वो थोड़ी बहुत इसका जो लुक है वो चेंज कर दिया गया। अगर मैं स्विच करूं डार्क मोड पे तो ये डार्क मोड पे स्विच हो जाए तो आपको इधर एक जो है वो सेटिंग देखने को मिल जाएगी डार्क मोड सेटिंग की, इसके ऊपर जो है वो ऑप्शन देखने को मिलेगा सॉरी। तो इसके अंदर जैसे ही मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके अंदर तीन डिफरेंस मोड कर दिए गए हैं डार्क मोड के भी। डार्क मोड को अगर आपने बिल्कुल इन्हेंस्ड के अंदर रखना है, बिल्कुल आपको ब्लैक चाहिए हर चीज़, तो आप इन्हेंस के ऊपर कर लें, वरना आप मीडियम कर सकते हैं या जो है वो ये जेंटल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जेंटल के ऊपर ये थोड़ा सा जो है वो कम डार्क रहेगा। उसके अलावा इसके अंदर एडजस्ट आइकन्स टू डार्क मोड, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपके जो भी
आइकन्स हैं यहाँ पर होम स्क्रीन के ऊपर, ये भी जो है वो आपके डार्क मोड के हिसाब से जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। आपका जो वॉलपेपर है वो भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, और बाकी भी डार्क मोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके साथ ही एडजस्ट हो जाएंगी अगर आप इसको ऑन करते हैं। और इसके अलावा ये एक बेटा ऑप्शन भी है जिसके अंदर आप थर्ड पार्टी ऐप्स जिनको जो कि डार्क मोड सपोर्ट नहीं कर सकती उसके अंदर भी डार्क मोड लेकर आ सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी एक अच्छी चीज़ लगी। तो ये डार्क मोड को इन्हेंस करना काफ़ी एक अच्छा स्टेप था ओप्पो की तरफ से। अब बात कर लीजिए नेक्स्ट फीचर की, तो यार देखो फीचर्स तो इसमें बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए होगा तो वो मैं बना दूंगा, इस वीडियो को मैं इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाह रहा। तो अब चलते हैं अपने जो है वो थर्ड फीचर के ऊपर, जो कि हमारे पास आ जाता है वाईफाई शेयर थ्रो QR कोड, जो कि पहले ऑप्शन नहीं था वो अब आ चुका है। आपको सेटिंग में जाना है अगर आपने जो है वो चाह रहे हैं कि किसी के पास वाईफाई है वो यूज़ कर रहा है और वो जो है वो आपके साथ पासवर्ड नहीं शेयर करना चाहता, तो आप QR कोड के ज़रिए भी जो है वो उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये पहले जो चीज़ है ये हुवावे के मोबाइल फ़ोन्स में आती थी लेकिन इसके अंदर ऐड कर दी गई है। आपने वाईफाई के सेक्शन के अंदर आना है, आप जो भी वाईफाई के ऊपर कनेक्टेड हैं उसके ऊपर आ जाएँ, उसका जो ये वाला आपके पास आई वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और वाईफाई QR कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। इधर से मैं अपना फिंगरप्रिंट देता हूँ और आप देख सकते हैं आपके पास एक QR कोड आ गया है। अब जो दूसरा बंदा है वो उसको स्कैन करेगा तो उसके पास जो है वो आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा विदाउट पासवर्ड कनेक्ट किए, ठीक है। और ये चीज़ आप जो है वो पर्सनल हॉटस्पॉट के अंदर भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर मैं जाता हूँ पर्सनल हॉटस्पॉट को ऑन करता हूँ, तो आप इधर देख सकते हैं QR कोड का आपके पास इधर से एक अलग ऑप्शन आ चुका है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मैं वेरीफाई करता हूँ और आप इधर से जो है वो दूसरा बंदा स्कैन करके आप किसी और का भी पर्सनल हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हैं और कोई और भी जो है वो आपका पर्सनल हॉटस्पॉट जो है वो इस तरीके से यूज़ कर सकता है विदाउट एनी पासवर्ड। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जो कि अभी ऐड कर दी गई है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब चलते हैं कैमरा फीचर के ऊपर, तो यार देखो कैमरा के अंदर कोई ऐसे फीचर्स तो नहीं ऐड किए गए लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको इम्प्रूव किया गया है और एक दो चीज़ ऐसी भी है जिसके अंदर जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी आपके लिए, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। कैमरा के अंदर जाना है और आप देख सकते हैं इधर ऐसे कोई भी जो है वो डिफरेंस नहीं है इसकी लुक के अंदर। और सबसे पहले जो फीचर है वो है इंस्टेंट शेयर का और इंस्टेंट एडिटिंग का, वो आप किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी एक फ़ोटो ली, ठीक हो गया फोटो ली, तो आप इधर देख सकते हैं कि आपके पास एक एरो आ जाता है यहाँ पर, अगर आपके इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक शेयर का ऑप्शन है और एक एडिटिंग का है। और इधर से मैं जो है वो अगर डायरेक्ट एडिटिंग के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये एडिटिंग मोड के अंदर चला जाएगा और यहां से मैं अपनी जो भी मैंने फोटो क्लिक की है डायरेक्ट उसे जो है वो एडिट कर सकता हूं। ये इधर मुझे कोई भी गैलरी वगैरह ओपन करने की जो है वो जरूरत नहीं है, इधर से मैं डायरेक्ट जो है वो इसको एडिट कर सकता हूं। उसके अलावा अगर मैं दोबारा पिक्चर लेके आपको दिखाऊं तो इधर से मैं डायरेक्ट इसको जो है वो किसी भी अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर जो है वो शेयर भी कर सकता हूं। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी, तो गुड जॉब ओप्पो। तो अगला जो फीचर आया वो हमारे पास आया है वीडियो मोड के अंदर, वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो इधर यहाँ जो आप देख सकते हैं अल्ट्रा स्टडी मोड, इसको ऑन कर दिया गया है। अल्ट्रा स्टडी वीडियो से आपकी जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये पहले आई थिंक सो जो है वो ऑप्शन नहीं था वीडियो मोड के अंदर। और उसके अलावा अगर आप जो है वो जूम करके वीडियोज़ लेते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया है, वो किस तरह से अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इधर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने जूम किया है, और अगर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं मैं 5x के ऊपर जो है वो शूट कर रहा हूँ, तो इधर से आपको 2x के ऊपर करके आइडिया हो जाएगा। तो अगर मैं अपने फ़ोन को जो है वो मूव कर रहा हूँ तो मेरी जो फोटेज है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आप देख सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो है वो जर्क होता है अगर ये जो है वो ऑप्शन ना देते तो, इससे पहले ये काफ़ी ज़्यादा जर्कीनेस थी इसके अंदर, लेकिन अब आप देख सकते हैं मैं जो मोबाइल मूव करता हूँ तो उसके साथ स्मूथली जो है वो मेरा जो ऑब्जेक्ट है या जो मेरा कैमरा है वो जो भी उसके सामने चीज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा स्मूथली जो है वो कैप्चर करता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जो लोग वीडियोग्राफी करते हैं इस मोबाइल फ़ोन से F15 या Reno3 Reno3 Pro हो गया, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यार बात कर लीजिए हमारे कैमरा के आखिरी फीचर के बारे में, तो वो होने वाला है लेंस स्टैंड, जिसको अगर आपने ऑन करना है तो आपने वीडियो मोड में आके सेटिंग में जाना है। इधर आपके पास एक सेटिंग का ऑप्शन है एडवांस सेटिंग का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर आप देख सकते हैं आपके पास एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया है लेंस स्टैंड डिटेक्शन। अब इससे होगा ये कि अगर आपके लेंस के ऊपर फ्रंट या बैक के ऊपर कोई भी स्टेन का मतलब होता है दाग, तो अगर कोई भी चीज़ लगी हुई है कोई दाग वगैरह आया हुआ है तो वो आपको एक प्रॉम्प्ट दे देगा, जैसे ये लिखा हुआ है रिसीव्ड अ प्रॉम्प्ट व्हेन अ स्ट्रेन इज़ डिटेक्टेड ऑन द लेंस। तो ये काफ़ी सिनेरियोज़ में जो है वो अच्छा यूजेबल जो है वो फीचर हो सकता है, लेकिन कोई ऐसे बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये जो फीचर है वो इस चीज़ के अंदर ऐड कर दिया गया है। बात कर लीजिए हमारे अगले फीचर की, तो वो आ जाता है साउंड एम्पलीफायर, जो कि काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन मुझे लगा। और साउंड के अंदर आपकी जो है वो अगर आप म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं तो आपके लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। तो वो किस तरह से आपने जो है वो करना है, इसको एक्सेस सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप चले जाएंगे एडिशनल सेटिंग में, यहाँ पर आपने एक्सेसिबिलिटी में जाना है। यहाँ आने के बाद आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा साउंड एम्पलीफायर, ये एक न्यू ऑप्शन है, तो इसके ऊपर चलते हैं। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है यूज़
हेडफोन्स टू इम्प्रूव ऑडियो। ये हेडफोन्स के अंदर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प कर देने वाला है। ओपन साउंड एम्पलीफायर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं इधर से आप अपना जो साउंड है वो एम्पलीफाई कर सकते हैं। अगर साउंड बहुत ज़्यादा नॉइजी है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ट्रेबल है, बहुत ज़्यादा बेस है, तो आप उसको इधर से एम्पलीफाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से जो है वो उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हाई पे रखना है, मीडियम पे रखना है, उसका जो साउंड है उसकी ट्यूनिंग किस तरह से करनी है, उसको बूस्ट किस तरह से करना है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दूसरे भी ऑप्शन है जो कि आप इधर से सेट करके और अपना जो साउंड का जो एक्सपीरियंस है या जो म्यूज़िक का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फीचर है जो कि आप जो है वो लाजमी ट्राई आउट कीजिएगा। तो यार अब बात कर लीजिए हमारे लास्ट फीचर की। वैसे फीचर्स यार बहुत ज़्यादा थे, मैंने मिस आउट कर दिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और जो मेन फीचर्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आप जो है वो खुद ट्राई आउट कर सकते हैं। आपके पास फीचर लिस्ट मैंने आपको बता दिया कहाँ पर आ रही है। तो इसका नाम है कंसेक्यूटिव नोटिफिकेशन, बहुत ज़्यादा मुश्किल सा नाम है। तो ये वाला जो फीचर है उसको आपने एक्सेस करने के लिए जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन में, और यहाँ पर आपको जाना है नोटिफिकेशन साउंड में, और इधर आप देख सकते हैं आपके पास एक न्यू ऊपर टैब आ रहा है टोन ट्यून्स के नाम पे। और ये कंसेक्यूटिव नोटिफिकेशन क्या चीज़ है कि ये जो है वो आपको एक अलग सी टोन देगा हर नोटिफिकेशन के ऊपर। जिस टाइप का आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है उस टाइप की आपको जो है वो ये एक ही बार में जो है वो नोटिफिकेशन का साउंड आपको लाकर देगा। अब ये जो है वो आप वैसे अगर सुनना चाहें तो मैं आपको सुना देता हूँ। यहाँ पर इसकी मैं वॉल्यूम को कर लेता हूँ, अब तो आप देख सकते हैं ये सिंगल सा आपको जो है वो साउंड देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। इधर दूसरे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसके अलावा आप इधर से अलग से भी कस्टम कर सकते हैं, ये भी आप सुन सकते हैं और ये भी आप सुन सकते हैं। तो ये जो है वो आप अपने हिसाब से इसको ट्राई आउट कर सकते हैं, काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन जो है वो इन्होंने ऐड किया। तो गुड जॉब ओप्पो यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स जो हैं वो इन्होंने ऐड करके दिए हैं। उसके अलावा भी जो भी फीचर्स हैं वो आप खुद से ट्राई आउट कर सकते हैं। तो यार वीडियो आपने देख ली होगी और आपको पता चल गया होगा रेनो 3 और F15 और रेनो 3 प्रो के अंदर जो है वो कौन कौन से न्यू फीचर्स आए, क्या इसके अंदर ग्लिचेस या एरर वगैरह आ रहे हैं अब तक, और बाकी जितने भी मॉडल्स हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपडेट्स देखने को मिलती जाएंगी। जो इससे लेटेस्ट हैं उनको देखने को मिल गई होंगी, और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप थोड़े से बैटरी कॉन्शियस हैं तो अभी ये अपडेट को जो है वो एनरोल ना करें, क्योंकि इसके अंदर बैटरी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी डाउन हुई है तो फिर आपको जो है वो कंप्लेंस होंगी। तो अभी मैं बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इतने ज़्यादा ग्लिचेस नहीं है, आहिस्ता ये जो है वो सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ फिक्स होते जाएंगे, लेकिन जो न्यू फीचर्स हैं वो हमें जो है वो ट्राई करने का जो है वो मौका मिल जाएगा। तो अगर आप जो है वो बैटरी कॉन्शियस नहीं है तो फिर आप इस अपडेट को जो है वो डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो बिना सब्सक्राइब किए वीडियोज़ को देख रहे होते हैं तो यार काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और इंस्टा के ऊपर फॉलो नहीं किया तो कर ले, तो यूजर नेम आ रहा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।